पर गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो बहुत दुखी और निराश था। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुझे धन यश और सुख कुछ नहीं मिला, इसीलिए निराश हूँ। बुद्ध ने उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना अपनी पोटली से निकाल कर दिया और कहा, जब तुम इसकी रचना और भावना जान लोगे, तुम्हारे पास धन यश और सुख सब आ जाएगा। ब्राह्मण ने खिलौने को ध्यान से देखा, उसकी रचना और भावना को कुछ ही दिनों में समझ गया। ऐसा करते करते उसे जिंदगी को पॉजिटिविटी से देखना शुरू कर दिया और जीवन को नए तरीके से देखने की वजह से वो काम करने लगा। सकारात्मकता की वजह से उसे यह एहसास हो गया कि खुशी और संतुष्टि तो हमारे अंदर ही होती है, उसे बाहर ढूंढने से कोई फायदा नहीं। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। थैंक यू दोस्त।